हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर थर्ड एस सी वर्मा के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर 5 है, उसका क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, हमेशा क्वेश्चन में ये हमारे लिए बहुत ही मार्केबल होता है कि क्या क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि गिवन पार्ट क्या क्या है क्वेश्चन में। तो गिवन पार्ट जो है उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ पहले, कि इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम कैथोड, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया गया है कैथोड से विद नेग्लिजिबल स्पीड। मतलब ऑब्वियस सी बात है, नेग्लिजिबल स्पीड मतलब यू जो इनिशियल स्पीड रही होगी वो जीरो की रही होगी, है ना, 0 मीटर पर सेकेंड की रही होगी नेग्लिजिबल स्पीड। एंड रीच अ वेलोसिटी, और उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी कहां तक जा रही है वो वेलोसिटी है 5 × 10⁶ की। तो वी जो है फाइनल वेलोसिटी उसकी जो रही होगी 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की रही होगी, और इस ड्यूरेशन में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है इलेक्ट्रॉन ने वो 1 सेंटीमीटर का है। तो डिस्टेंस एस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10⁻²। इसको भी SI यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया। Assuming स्ट्रेट लाइन मोशन, अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे तो किसी भी मोशन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया इस चीज को कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसे हमें स्ट्रेट लाइन मोशन कंसिडर करना है। तो फाइंड द कॉन्स्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा कॉन्स्टेंट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में भी हमें फोर्स निकालना है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, वो गिवन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ME से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, ये सब क्वेश्चन में मेंशन है। तो सबसे पहले जैसे कि फोर्स होता है तो F इक्वल टू MA चाहिए होता है आपको, तो एक्सेलरेशन निकालना होगा आपको। तो आप एक्सेलरेशन निकालो, A इक्वल टू आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे V है, U है, S है, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2S का फॉर्मूला इसके लिए ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि यहां से हमें एक्सेलरेशन आराम से मिल जाएगा। तो v वेलोसिटी कितनी दी हुई है, तो 5 × 10⁻, आप देखो यहाँ पे 10⁶ है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ एग्जैक्ट 5 × 10⁵ है या 6 है, 6 है, तो 5 × 10⁵, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे आप माइनस u, मतलब 0 का स्क्वायर, u तो इनिशियल 0 था, और ये हो गया 2 × डिस्टेंस, मतलब 10⁻², ठीक है। इस तरह से ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5 का स्क्वायरिंग कितना आएगा, तो देखो आप 25 × 10⁻¹० है ना, पावर की भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 10⁻¹० और अपॉन में हो जाएगा, सॉरी ये 5 नहीं ये 6 है, देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ, तो इसको मैं 6 बना देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने 6 बना दिया, और ये 6 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा, तो इसको मैं 12 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ये, इसको पूरे क्लीन करके अच्छे से 12 लिख लेते हैं, 25 × 10⁻½ हो गया, ठीक है, अपॉन 2 × 10⁻²। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 10⁻½ और ये 2 ऐड हो जाएगा 14 हो जाएगा, और इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 12.5 होगा, तो 12.5 × 10⁻¹⁴ इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो इसका एक्सेलेरेशन आ गया, आपको भी इतना एक्सेलेरेशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल है कि फोर्स चाहिए आपको, तो फोर्स एफ इक्वल टू, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मुझे मास इनटू एक्सेलेरेशन चाहिए, मास कितना है 9.1 × 10⁻³⁶, माइनस में है, ध्यान देंगे माइनस में है, इंटू एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी, एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सेलेरेशन को भी आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो एक्सेलेरेशन है वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो एक्सेलेरेशन आपका है 12.5 × 10⁴। अब पावर तो देखो आप, पावर माइनस हो जाएगा तो 10⁻³ कितना बचेगा, ये 14 है और यहाँ पे −31 है, माइनस करके देखो, अगर मान लो ये 30 होता ये 15 होता तो 15 बचा ना, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना आ रहा है पावर 10⁻³, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे −12, ठीक है, −12, और ये आपका मल्टीप्लीकेशन करके, ये 9.1 और 12.5, इसको मल्टीप्लीकेशन करके आपके पास वैल्यू आ जाएगा
113.75, चेक करो आप, कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन खुद से करेंगे, ये आ गया। इसके बाद फाइनली इसको मैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो वन पॉइंट करके लिखा जाता है, तो वन डेसिमल या 1.1 × 10⁻¹⁵ न्यूटन, इतने का फोर्स इस पे लग रहा होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।